So we are here at Romeo Lane with my Romeo. सही में यार amazing architecture here. कितना amazing है, इतने levels बने हुए हैं, interesting लग रहा है. फाइनली हेडिंग फॉर आवर चेकआउट. किसी को बुला लेते हैं. लिफ्ट से यहाँ कैसे जाएंगे? वो भी लेके आए थे हमारा लगेज. हेलो, थैंक यू. बहुत अच्छी लग रही थी. वाओ, ग्रीनिश वाइट शूज. या वी डबल लग रही है यार. क्या लग रही है यार. ओए होए, ये भी इतना सुंदर लग रहा है. वो भी तो दिखा दो. ओ ये तो सुंदर लगता है. रोज रोज ओए होए. अच्छा जी, हरामजादे. Oh, look who's driving today. Let's go, guys. क्या बात है यार, मजे आ गए. मैं कितना लकी बंदा हूँ, मुझे गाड़ी चलानी नहीं पड़ती. अच्छा, पूरे गोवा में आपने गाड़ी चलाई है? ये तो आखिरी दो तीन दिन में. एक्चुअली मैंने यार, I love driving, but in Goa only, not in Delhi. है ना? Never. अभी अब कहाँ लेके जा रहे हो हमें? अभी हम आपको बड़ी अच्छी सी जगह लेके जा रहे हैं, जहाँ हम बैठ के आराम से चिल करेंगे, काम करेंगे. या सो हम बर्गर फैक्ट्री जा रहे हैं. मुझे बहुत सारे DMs आ रहे थे यार, बर्गर फैक्ट्री जाओ, मिस मत करना ये वो. तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, मैकडोनल्ड्स यहाँ का, क्योंकि उसका मेन्यू पूरा अलग है. मेरे को दो तीन बंदों ने कहा था मैकडोनल्ड्स जाओ, और बर्गर फैक्ट्री बहुत सारे बंदों ने कहा था. तो हमने सोचा चलो बर्गर फैक्ट्री चल लेते हैं. मैकडोनल्ड्स यार खा ही लेंगे कहीं ना कहीं. बर्गर फैक्ट्री गोवा में बहुत ही फेमस है, ऐसा मुझे लगता है DMs के आधार पर. पक्का नहीं पता हमें, इतनी कोई तारीफ जो हम कर रहे हैं हमें नहीं पता कि कैसा है. तो उनको थोड़ा ना बर्गर खाना, हमने ही खाना है. अभी जाके देखते हैं कैसा है. वाओ, अभी हम रास्ते में से जा रहे थे और हमें ये सुंदर सा बना हुआ इनका मंदिर दिखा है. ये होता है पास ही आर्किटेक्चर, फिल्ड विद लॉट ऑफ कलर्स, पैटर्न्स, फुल ऑन क्रिएटिविटी है भाई इन लोगों की. सब कुछ बना रखे हैं इन लोगों ने, डोम्स, छतरी, इतने पैटर्न है, इतना सुंदर लग रहा है, कलरफुल जो ऑन. ऑर्डर करे थे और ये मेरा ऑरेंज जूस और ये पाइन एप्पल जूस है. ये वाला अरे कितनी कूल वुडन पाइप में आया है, इतना थिक और इतना अच्छा पल्पीस है ये. अभी पता क्या हुआ, बेचारी वेटर्स ने यहाँ से आ रही थी, इतनी तेज हवा चल रही है, आते आते उसने सारे चिप्स गिरा दिए, उड़े जा रहे, इतने पतले पतले हैं ये सारे चिप्स. ये देखो स्ट्रगल इज रियल, पर बड़ा मजा आ रहा है. Traveling mountains just to find out. So हम इस बड़ी कूल सी जगह पे आए हैं, जोइस बार. I'm not sure इसका ये नाम है ना, जोएट्स वहाँ पे लिखा है उसका नाम, जो है जो कि एयरपोर्ट के बहुत पास है.
तो इसलिए हम वहाँ पर आ गए, क्योंकि हमें कोई जगह चाहिए थी जहाँ पे हम आराम से बैठ के काम करें, लैपटॉप खुल चुके हैं और यहाँ पे आराम से बैठ के कोल्ड कॉफ़ी पिए। इसके बाद हम फ्लाइट बोर्ड करेंगे, फ्लाइट हमारी 4 घंटे बाद है तो इतना वेट हम एयरपोर्ट पर नहीं कर सकते थे। हमें सोचा आस पास कहीं अच्छी सी जगह आ जाती है, तो हमें बीच के पास इतनी सुंदर सी जगह मिल गई है। बट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा निकले, और मैंने ना ये डिसाइड किया है कि हर एक वेकेशन में एक ब्रीदर डे भी होना चाहिए। ये ना हो कि घर जाके एक घंटे का ब्रीदर सीधे काम शुरू करेंगे, हम ट्रिप पे ही 4 घंटे का ब्रीदर ले रहे हैं, आराम से बैठ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। आज गोवा में ऐसा हम इमेजिन कर रहे हैं कि हम दिल्ली आ चुके हैं, ट्रिप खत्म हो चुका है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, रीलिव कर रहे हैं, रीकॉल कर रहे हैं, एंड फिर ताकि हम कल से बैक ऑन रूटीन आ पाए। दिस इज़ व्हाट स्मार्टनेस है। सो अभी हम उसका रिदम वापस कैच कर रहे हैं काम करने वाला, ताकि कल से एकदम से हमें ऐसा ना लगे ओ शिट मंडे ब्लूज हो गया हमारे साथ। सो हम संडे से ही थोड़े से ब्लूज ऐड कर रहे हैं ताकि मंडे ब्लूज ना लगे हमें। फाइनली बोर्डिंग ऑफ फ्लाइट, काफ़ी भागते भागते पहुँचते हैं हम, बिल्कुल 9:55 की फ्लाइट है हमारी, 15 मिनट में निकलने वाली है। जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा, थोड़ा सा भी मेरा गला स्ट्रेन होता है तो आवाज़ बंद हो जाती है मेरी। आपको एनी वे मेरी आवाज़ तो समझ आ रही होगी, इतनी भी बुरी नहीं हुई है। सो मैं घर आ गई थी और मुझे बहुत भूख लग रही थी, एक आधा बर्गर खा रखा है और कोल्ड कॉफ़ी पे कोल्ड कॉफ़ी पी रखी है, फिर सुबह से कुछ खाने का मन नहीं था। 3 दिन इतना जंक एंड ड्रिंक एंड ऑयल करके कुछ खाने का मन नहीं था, मतलब तो ड्रिंक इतना नहीं किया हमने, 1-2 डेज पे थोड़ा किया, 3rd डे में हम लोग ऐसे थे कि बस अब और नहीं हो रहा, 3rd डे पे थोड़ा बहुत लिटिल बिट, एंड आज तो बिल्कुल ही कोई हिम्मत देखने का भी मन नहीं था। तो आज हमने ना खाना इतना खाया है, ना ड्रिंक कोई एंड ऑयल किया, अब वापस घर आ गए हैं। सो थोड़ा तमीज़ में वापस, कोई तमीज़ में नहीं हूँ ऐसे, मैं मैगी बना रही हूँ मैं अपने लिए, क्योंकि मेरा बहुत ही मन कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर रूटीन ऐसा फिक्स हो गया था कि रात को कुछ ऐसा खा रहे हैं टेस्टी सा यम्मी सा। और बाबा को तो मैं बहुत ही मिस कर रही हूँ, अगर आपने मेरा गोवा वाला सेकंड व्लॉग देखा हुआ है तो आपको पता होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ, उनकी मैगी इतनी ज़्यादा यम थी तड़के वाली। सो अगर आप गोवा में जा रहे हो तो बाबा कैफ़े छोटा सा स्टॉल है वहाँ चले जाना यार, उनकी मैगी खाना तड़के वाली, बेस्ट मैगी एवर, बहुत ही अमेजिंग मैगी थी। तो उनकी याद में मैं मैगी बना के खा रही हूँ। कल से शुरू करेंगे वापस अपना सब कुछ बैक ऑन ट्रैक, हमारा तो ट्रैक वैसे भी फ्लेक्सिबल होता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, बट एनीवे मेरा बहुत मन कर रहा था तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। मैं अपनी मैगी इन्जॉय करूँगी, थोड़ा सा काम इन्जॉय कर लूँगी, 3 बज रहे हैं फिलहाल, थोड़ा काम वगैरह करके, एंड आई विल गो स्लीप। सो स्टे ट्यून्ड।